जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों पर शनिवार को ग्रेनेड हमले में 15 श्रद्धालु घायल। आजादी की सालगिरह पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बसित ने फिर अलापा कश्मीर राग। दिल्ली में बोले, इस साल जश्न आजादी हम कश्मीर के नाम करते हैं। मोहाली के अंब साहिब गुरुद्वारे के सामने धरने पर बैठे शिक्षा प्रोवाइडर्स को हिरासत में लिया गया। देर रात टीचर्स के घर पर छापेमारी। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं शिक्षक। नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की चर्चा पर लग सकता है ब्रेक। केजरीवाल के घर संजय सिंह के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने की 1 घंटे तक मुलाकात। जल्द हो सकते हैं पार्टी में शामिल। पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल का बड़ा बयान, कहा 10 नवंबर को सिख जत्थेबंदियों की सरबत खालसा का आयोजन कर रही है आम आदमी पार्टी। पिछली बार हुए सरबत खालसा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने लिया था हिस्सा। रियो ओलंपिक्स में ललिता बाबर ने रचा इतिहास। 3000 मीटर की स्टीपल चेस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची। पीटी उषा के बाद उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी ललिता।